दोस्तों इस वीडियो के अंदर बाजार से जुड़ी कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सिर्फ डाटा के ऊपर बात करेंगे यहां पर और उसी के थ्रू मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा कि यहां पर बाजार में अभी भी और बड़ा खतरा मंडरा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अब एक बड़ा झटका बाजार को दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्या न्यूज है, किस डाटा के ऊपर हम बात कर रहे हैं, अगले 5 मिनट में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली चीज, अगर आप इंडियन इंडाइसेस को देखेंगे तो आज जो गिरावट हमें देखने को मिली वो गिरावट 100% यहां पर जेन्युइन है, क्योंकि जिस प्रकार ग्लोबल सेंटिमेंट बन रहे थे, मैंने आपके साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट शेयर करी थी जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि अमेरिका बाजार के अंदर बड़ी गिरावट हो रही है, यूरोपियन मार्केट भी बुरी तरीके से क्रैश है, रशियन मार्केट को 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, तो यहां पर ग्लोबल सेंटीमेंट बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। और उसी को देखते हुए इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो डाटा यहां पर निकल कर आ रहा है वो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ब्रेंट ऑयल के प्राइसेस देखेंगे तो 111 यूएस डॉलर तक पहुंच गए, वहीं अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो 109 यूएस डॉलर तक पहुंच गए। यानी कि विद इन अ 2 ट्रेडिंग सेशन हमें यहां पर 16% की राइजिंग देखने को मिल रही है। तो इतनी बड़ी तेजी जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने हालांकि एक्सपेक्ट नहीं करी होगी, और पिछले 3 से 4 सालों का भी अगर आप क्रूड ऑयल का डाटा उठाकर देखेंगे तो यहां पर इतनी बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिली है। कल के दिन भी मैंने आपके साथ में एक डाटा शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस 100 यूएस डॉलर पर हमें देखने को मिल रहे हैं, और अगर अगेन ये राइज होते हैं तो ये इंडियन इक्विटी बाजार के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस, ब्रेंट ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो उससे लॉजिस्टिक इंक्रीज होगा, और लॉजिस्टिक इंक्रीज होगा तो अगेन हमें ट्रांसपोर्ट इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा, और उसका एक सीधा सा इंपैक्ट हमें इन्फ्लेशन के ऊपर, सीपीआई इन्फ्लेशन और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन का जो डाटा यहां पर निकल कर आएगा उस पर डायरेक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म में चीजें भले ही आपको अभी कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू देखेंगे, यानी कि पूरे महीने का अगर आप व्यू देखेंगे तो मार्केट के सेंटीमेंट्स बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। वहीं अगर आप फ्यूचर्स के डाटा को भी देखेंगे तो वहां पर भी हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करें कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो हमारा पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट अभी जिस एक बेस पर चल रहा था वो था LIC का IPO। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में जितनी ही नेगेटिव न्यूज निकल कर आ रही थी लेकिन मार्केट संभला हुआ था कि LIC का IPO आने वाला है और उससे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट को देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार के क्रूड ऑयल के प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार के कमोडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा तेजी हमें देखने को मिल रही है, अब सेंटर की तरफ से एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है कि LIC के IPO की टाइमिंग सेंटर यहां पर वापस रिव्यू करने के बाद में चेंज कर सकता है, यानी कि उसको 1 साल के लिए डिले कर सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा IPO ये आने वाला था और गवर्नमेंट को इस IPO से काफ़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन है, जिसमें लगभग 60,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के फंड रेजिंग करने की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर अगर ये IPO डिले होता है तो डेफिनेटली इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। कंप्लीट न्यूज आप देख सकते हैं, आज ही के दिन ये रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें सेंटर में रिव्यू LIC IPO टाइमिंग, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये अपडेट निकल कर आ रही है, और इसके पीछे का रीजन है रशिया वर्सेस यूक्रेन के क्राइसिस। आज 7th डे है वॉर को और यहां पर हमें अपडेट देखने को मिल रही है वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। वहीं अनदर डाटा मैं आपके साथ शेयर करूं तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, World War III को लेकर ये बड़ा स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक्सपेक्टेशंस जताई है कि अगर World War III होता है तो यहाँ पर न्यूक्लियर और डिस्ट्रक्टिव हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि जो World War III अगर होता है तो यहाँ पर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो सिर्फ यूक्रेन और रशिया के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो यहां पर एक भी न्यूज हमें मार्केट को लेकर पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रही है, और इसी कारण से मैंने आपको कहा है कि मार्केट में अभी भी बड़ी गिरावट बाकी है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी गिरावट यहां पर अभी भी बाकी है।
तो मार्केट में आपको ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी से खासकर दूरी बनाकर रखनी है। बात करें अगली अपडेट्स के बारे में, तो यहां पर जो न्यूज निकल कर आ रही है, सेकेंड इंडियन डाइज इन यूक्रेन। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड इंडियन स्टूडेंट डाइज इन यूक्रेन। हालांकि इसके पीछे जो रीजन है वो यहां पर थोड़ा सा अलग है। यहां पर बीमारी के कारण डेथ हुई है। आप कंप्लीट न्यूज देख सकते हैं पंजाब सफर्ड स्ट्रोक, जिसमें अगर मैं आपके साथ कंप्लीट न्यूज शेयर करूं तो आप देख सकते हैं इंडियन स्टूडेंट डाइज ऑफ इलनेस इन यूक्रेन। तो यहां पर बीमारी के कारण यहां पर सेकेंड इंडियन स्टूडेंट की जान गई है, और यहां पर इंडियन स्टूडेंट के जो फादर हैं उन्होंने यहां पर रिक्वेस्ट करी है सेंटर से कि उन्हें यहां पर बॉडी, जो उस इंडियन स्टूडेंट्स की डेड बॉडी है, वो यहां पर प्रोवाइड करी जाए। तो यहां पर अब जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स को लास्ट 72 आवर से खाना तक पानी भी नहीं मिला है, और साथ ही साथ यहाँ पर चीज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियरली समझ कर चलना है कि मार्केट अभी भी बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, और ग्लोबल मार्केट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ रशियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल कर आया है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब अगेन जो एक और बड़ी अपडेट यहां पर निकल कर आ रही है कि सेकेंड राउंड के लिए जो रशिया वर्सेस यूक्रेन के नेगोशिएशन टेबल्स पर हमें ये दोनों देश एक दूसरे के सामने आते हुए देखने को मिले थे, लेकिन फर्स्ट राउंड में किसी प्रकार का कंक्लूजन यहां पर नहीं निकला था। अब ये बातचीत हमें सेकेंड राउंड में जाते हुए देखने को मिल रही है। दोनों ही देश यहां पर रेडी है। अब देख सकते हैं रशिया सेज रेडी टू कंटिन्यू टॉक्स विद यूक्रेन टुनाइट। आज रात को हमें अगेन बड़ी बैठक यहां पर देखने को मिल सकती है, और अगर यहां पर अगेन कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होता है तो कल के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर आपको बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। यदि आप इस मीटिंग के आउटकम्स चाहते हैं तो यहां पर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम लेट नाइट आपके लिए जो मीटिंग के आउटकम्स रहेंगे वो प्रोवाइड कर देंगे, और ग्लोबल सेंटिमेंट भी जिस प्रकार के निकल कर आएंगे वो आपको अवे उससे अलर्ट कर देंगे। अगर आप मार्केट में इंडाइसेस भी देखेंगे तो ऑटो सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, पीएसयू, बैंक, फिन सर्विसेज, फार्मा, सभी के अंदर आज हमें गिरावट देखने को मिली। सिर्फ मेटल सेक्टर के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो यहां पर मैंने आपके साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी मार्केट ओपन होने के पहले ही अपडेट शेयर कर दी थी कि मेटल सेक्टर पर आपको फोकस रखना है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में अगर गिरावट होती है तो मेटल सेक्टर के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं, और यहां पर SIP आप कर सकते हैं, लेकिन बल्क इन्वेस्टमेंट सिंगल ट्रांजेक्शन आपको यहां पर नहीं करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही मार्केट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।